नस्लदार नस्ल मर तो सकते हैं, हम अपनी जमीन ही सील करेंगे। ये हमें मतलब बचपन से ही बताया गया है। वो कहते हैं ना जमीन माँ होती है, तो ये माँ सेल करने के मुतरादिफ है कि जो अपनी अभी प्रॉपर्टीज जो सेल कर रहे हैं, ये बहुत दुख और तकलीफ की बात है। इंडिया हमारे खिलाफ किस तरह बातें करता है कि अब ये दौर आ चुका है कि पाकिस्तान को ऐसा ऐसा चीजें बेचनी पड़ेंगी, तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपके साथ आपकी हिस्ट्री में क्या किया, आपके कंज्यूमेबल असासे सारे के सारे रिसोर्सेज वो ले गए, ठीक है, और जो आपके पास बचे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या हम उसका करेंगे? ये एक इंतहाई गलत अप्रोच है। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से एक लॉ पास किया गया है कि पाकिस्तान अपना कोई भी अदारा, अपना कोई भी असासा, पोर्ट, एयरपोर्ट, नेचुरल गैस रिसोर्सेज, दुबई, चाइना या फॉरेन कंट्री को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करके बेच सकता है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब उन्होंने किसी चीज़ को बेचने का नाम लिया तो कहा गया कि इमरान खान तो मुल्क बेचने निकल गए हैं, अब ये पूरा का पूरा मुल्क बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई इदारा और अदालत इनसे सवाल भी ना करे। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। पाकिस्तान की सरकार की जानिब से एक लॉ पास किया गया है कि पाकिस्तान अपने असासे जैसे कि पोर्ट हो गया, एयरपोर्ट हो गया, नेचुरल गैस रिसोर्सेज और इसके अलावा भी पाकिस्तान के जो असासे हैं, पाकिस्तान उसको यूएई, चाइना और फॉरेन ममालिक को बेच सकता है। एज अ पाकिस्तानी ये सुनते हुए कैसा लग रहा है कि हमारे मुल्क के असासे बराए फरोख्त हो गए हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ये कल मैंने ये न्यूज़ सुनी थी तो बहुत शर्मिंदगी फील हुई है मुझे। ये चीज़ इस गवर्नमेंट ने जो ये डिसीजन लिया है कि बहुत फील हुआ है कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब बींग अ पाकिस्तानी मुझे बहुत ही ये तकलीफ दे लम्हा थे कि यार अब हमारी ये सिचुएशन हो गई है कि हम अपने असासे बेच रहे हैं। इवन के मैं एक छोटी एग्जांपल दूंगा कि हम लोग ज़मींदार हैं, अपनी ज़मीनों से बिलोंग करते हैं, हम लोग नस्ल दर नस्ल मर तो सकते हैं, हम अपनी ज़मीन ही सील करेंगे। ये हमें मतलब बचपन से ही बताया गया है। तो ये सेम लाइक वो कहते हैं ना ज़मीन माँ होती है, तो ये माँ सेल करने के मुतरादिफ है कि जो अपनी अभी प्रॉपर्टीज जो सेल कर रहे हैं, ये बहुत दुख और तकलीफ की बात है। इमरान खान के दौर में जब इमरान खान ने कोई चीज़ बेचने का नाम लिया तो सबने कहा कि इमरान खान मुल्क बेचने निकल गया है, और अब जब खुद ये मुल्क बेचने निकल गए हैं तो कह रहा है कि कोई अदालत, कोई इदारा इस पर सवाल भी नहीं उठा सकता। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान ने कोई चीज़ बेचने निकले हैं वो, ठीक है। और बींग अ पाकिस्तानी जो हमें रिस्पेक्ट इमरान खान के दौर में मिली है ना, मैं दुबई में रहता हूँ, ठीक है, हम बड़ा प्राउड फील करते हैं इस ड्रेस में इमरान खान के दौर में। और जब से ये सरकार आई है हम ये ड्रेस बाहर नहीं पहन सकते, शलवार कमीज़ पहने तो हम शेम फील करते हैं कि यार ये मतलब लोग हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे जब से ये गवर्नमेंट आई है। तो बीइंग अ पाकिस्तानी मैं मतलब यही देखूंगा जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि जितनी रिस्पेक्ट हमें पीटीआई के दौर में मिली है शायद इससे पहले कभी नहीं मिली। आपको लगता है कि हुकूमत का ये इकदाम पाकिस्तान के मुफाद में जा सकता है जब हम अपनी सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ें जो हैं वो बराए फरोख्त कर रहे हैं? कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है कि आप ये आपके जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आप सेल आउट कर देंगे, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि आप बेनिफिट आपको मिलेगा। कोई बेनिफिट नहीं है, ये खा पी जाएंगे जिस तरह पहले से होता आ रहा है। आप देखें ना कि इससे पहले क्या हुआ है हमारे कंट्री में कि 30 साल से जो लोग एक दूसरे को गालियाँ दे रहे थे आज एक प्लेट में खा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बिल्कुल बेनिफिट नहीं है, ये अपना अपने आप को क्लियर करेंगे, लूट मार के निकल जाएंगे। 12 साल के लिए पाकिस्तान की हुकूमत अपने अदारे बेच रही है, आपको लगता है कि ये हमें वापस कभी मिल सकेंगे या जिस कीमत पर हम दे रहे हैं उसी कीमत पर ही हम वापस ले सकेंगे? मेरा ख्याल है कि ये बेचने नहीं चाहिए और इस कौम को गैरत खानी चाहिए, उठना चाहिए, इसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए कि ये बिल्कुल बहुत ही नामुनासिब है कि आप हमारी जो असासे हैं वो बेच दें। मुल्क के असासे हमारे असासे हैं, तो ये बेचना, अगर ये बेच रहे हैं तो बहुत गलत हो रहा है, अवाम को स्टेप लेना चाहिए। पाकिस्तान की सरकार ने एक लॉ पास किया है कि पाकिस्तान अपने असासे, हमारा पोर्ट, एयरपोर्ट, नेचुरल गैस रिसोर्सेज, इसके अलावा भी पाकिस्तान के जो असासे हैं वो हम फॉरेन ममालिक को बेच सकते हैं। एज अ पाकिस्तानी सुनने के बाद कैसा फील हो रहा है कि हमारा मुल्क, हमारे मुल्क के असासे बराए फरोख्त हैं? बिल्कुल बहुत बुरा फील हो रहा है, ये तो कोई बात ही नहीं है कि ज़ाहिर बात है अगर आप अपने अच्छे पेट्रियॉट हैं पाकिस्तान में और अपने मुल्क से प्यार करते हैं तो कोई एक ज़रा बराबर भी चीज़ अगर आपको पता चलेगी कि बिकने भी आ रही है तो आप इसको बिल्कुल नापसंद करेंगे।
और ये ना हुकूमत की नाअहली है, जो ये 6-7 महीनों में इनकी कारकर्दगी यही है कि उनको कुछ और नहीं, मेरा IMF कर्ज़ा नहीं दे रही, तो उन्होंने यही कहा कि बेच बूझ के अपने पेट पालें और अपना चीज़ें पूरी करें। अब हुकूमत का क्या है, इसका क्या है, आवाम का क्या है? आवाम तो कहीं ना कहीं से कर ही लेगी, पहले भी मार रही है तो और मार लेगी। और इस तरह अगर चीज़ें बेच देंगे, जैसे स्टील मिल का बड़ी अरसे से चाह रहा है कि बेच दी जाए एयरपोर्ट का या जो भी चीज़ें, तो जाहिर बात है कोई भी अगर एज आ पाकिस्तानी अपने मुल्क से प्यार करता है तो वो कभी भी ऐसा पसंद नहीं करेगा। सिर्फ ये ऐसे हुकूमत के नुमाइंदे ही हैं जो इस चीज़ को पसंद कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एट द एंड वो जो पैसे मिलने हैं वो उन्हीं के जेबों में आने, उन्हीं के बैंक बैलेंस में आने हैं। हुकूमत का कहना है कि इस वक्त हमें पैसों की ज़रूरत है, इसलिए ये इकदाम उठाया जा रहा है। हुकूमत का तो क्या ही बातें हैं, पहले भी उन्होंने कहा था कि पेट्रोल बढ़ा देंगे तो हम IMF हमें कर्ज़ा दे देगी। 100 पेट्रोल कहाँ से 150 से लेके अब 250 तक चला गया, लेकिन कुछ भी नहीं। IMF नई से नई शर्तें रख रही हैं। यही तरीका होता है कि ना ली हुकूमत का ऐसे पता चलता है कि आपकी कोई प्लानिंग ना हो कि किस तरह। वज़ीर ख़जाना साहब हमारे मिफ्ता इस्माइल इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं हो रहा। पता नहीं वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को कैसे चलाते हैं, वो कैसे इतना मुनाफा कमा रहे हैं, तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। हम तो क्या कहते हैं, अपनी हुकूमत के बारे में बात भी नहीं कर सकते कि जो हालात बने हैं, इंडिया हमारे खिलाफ किस तरह बातें करता है कि अब ये दौर आ चुका है कि पाकिस्तान को ऐसा ऐसा चीज़ें बेचनी पड़ेंगी, तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। तो हम एज आ पाकिस्तानी अगर आप पैट्रियाट हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, तो आप ऐसा सोचना भी नहीं चाहेंगे जो ये मुल्क करने जा रही है। 12 सालों के लिए हम अपनी चीज़ों को बेच रहे हैं, अपने रिजर्व को बेच रहे हैं, आपको लगता है ये हमें वापस में मिलेंगे? अगर सही मायनों में अगर मैं दिल से कहीं बात कहूँ तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। अगर खुदा ना खासा ऐसा कुछ सीन हो गया तो फिर आप भूल जाएंगे ये पाकिस्तान स्टील मिल, एयरपोर्ट, ये जो आप छोटे मोटे ममालिक में चले जाते हैं वीज़ा लगा के, वो जाना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, हर मुल्क आपको बैन कर देगा। तो ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है। और खुदा ना खासा सिर्फ इसी चीज़ का डर है कि ये श्रीलंका वाला हिसाब ना हो कि एट दी एंड हमें भी आवाम को सड़कों पे निकलना पड़े और मारदार छुड़ू और जो हालात, जो इकोनॉमी उनकी गिरी हुई है और बुरा हाल है, वैसा कुछ हो। लेकिन जो हालात बने हुए हैं, डॉलर जिस तरह ऊपर जा रहा है, इकॉनमी जैसे बर्बाद हो रही है, कोई प्लानिंग नहीं है और हुकूमत आपस में लड़ती जा रहे हैं। ये कहाँ की अकलमंदी है कि हम अपने सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल इदारे जो हैं वो बेच रहे हैं और हमें कोई उम्मीद भी नहीं है कि वो हमें वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और कहा जा रहा है कि ये सब पाकिस्तान के मुफाद के लिए किया जा रहा है? ये बिल्कुल भी नहीं अकलमंदी में तो नहीं आएगा, ये सिर्फ लालच है, पैसे की हवस है, जिसको हम बेसिकली कह रहे हैं गवर्नमेंट चाहती है। और एट द एंड अब क्या बात कीजिए, लाहौर में अगर बात कर जाए, ये मेट्रो जो इतना बड़ा मनसूबा है, इसमें भी चाइना के साथ हमारे जो मामला हुए हैं सारा कुछ पता है। जिनको पता है उनको बहुत बेहतरीन तरीके से पता है कि क्या किस तरह, इवन कि छोटी से छोटी स्कीम भी आती है तो पता होता है कि गवर्नमेंट बॉडीज उसमें से अपना किस तरह हिस्सा रखती हैं और दूसरे कैसे होते हैं। तो बेसिकली ये भी एक पैसा कमाने की तरकीब है, जैसे छोटे लेवल पे होती है ये ज़रा बड़े लेवल पे हो रही है, ताकि एक दो दफ़ा कमाने पड़े उसके बाद बाहर जलंधर में जाके आप बैठ जाएंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा। सर, पाकिस्तान की सरकार की जानिब से एक लॉ पास किया गया है कि पाकिस्तान की हुकूमत अपने असासे बेच सकती है बैरून मुल्क को, और गवर्नमेंट लेवल पर ये डील्स हो सकती हैं और कोई भी अदालत, कोई भी अदारा इनसे सवाल नहीं कर सकता। क्या कहेंगे एज अ पाकिस्तानी आप इस पर? जी, इंतहाई अफसोस की बात है कि आपकी गवर्नमेंट इस चीज़ पे मतलब इतफाक़ कर रही है कि अपने असासे बेच दें, ना कि कोई मुआशी पॉलिसी ऐसी लाई जाए, कोई इकनॉमिक रिवाइवल की तरफ जाया जाए और कोई टेक्निकल मतलब कि एडवांटेजेस लेने चाहिए टेक्निकल लोगों से, ना सिर्फ असासे बेचने से। ये तो मतलब कोई बंदा भी कर लेगा ना। मिसाल के तौर पर अगर आप इसको एक घर की मिसाल के तौर पर अपने मुल्क को लें, मुल्क हमारा, हमारी माँ है, हमारा घर है, तो आप घर की चीज़ें बेचना शुरू नहीं कर देते जब आपके पास चीज़ें या रिसोर्सेज कम होते हैं। आप मेहनत करते हैं, आप ज़राए ढूँढते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को बेहिसाब ज़राए से नवाजा है, वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, जस्ट इट नीड टू एक्सप्लोर, और उसके लिए हिम्मत और ईमानदारी चाहिए। ये मेरे ख्याल में, चूँकि मैं इस कौम का फ़र्द हूँ और ये हमारा भी उतना ही मुल्क है जितना इन गवर्नमेंट वालों का है या गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ का है, कि मुल्क के असासे बेचने से बेहतर है दे शुड गो बैक टू देयर होम्स। ठीक है ना जी, उनसे ये नहीं संभलने वाला। हमारे हुकूमत का कहना है कि ये पाकिस्तान के मुफाद के लिए किया जा रहा है, इस वक्त हमें पैसों की ज़रूरत है इसलिए किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि कहाँ गए पैसे, जो IMF से हमने इतनी दफ़ा कर्जा लिया वो कहाँ गया? बिल्कुल, एज अ नेशन हमारा ये क्वेश्चन करना हक है, ठीक है, कि ऑलरेडी जो आपने मतलब लोन्स वगैरह लिए, वो आपने डेफिनेटली एक प्लानिंग के तहत लिए थे, वो प्लानिंग आपकी कहाँ गई? डेफिनेटली आपकी, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सके अपने प्रोग्राम्स कि आपने जिस हिसाब से लोन्स लिए थे, इसमें आपकी नालायकी, और अपनी अपनी नालायकी को छुपाने के लिए जो स्पेसिफिकली जो रिसेंट गवर्नमेंट है पिछले 2.5-3 महीने से जो कर रही है,
गवर्नमेंट नाम की कहीं कोई चीज़ नज़र नहीं आती और स्पेशली इकोनॉमिकल क्राइसिस की तरफ हम लोग डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। दुनिया बता रही है लेकिन हमारे लोगों, हमारे जो अशराफिया हैं या इक्तदार में जो लोग मौजूद हैं, बहुत अफसोस के साथ कि उन लोगों को शायद इस चीज़ की परवाह नहीं है, अपनी ज़ाती सियासत और अपनी नस्लों को, आने वाली नस्लों को वो बेसिकली हमारे सर पे बिठाने के लिए। तो इकोनॉमिकल उनका वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है अपने मुल्क को बचाना या उसको सस्टेन करना। आपको लगता है ये जो असासे 12 साल के लिए बेचे जा रहे हैं वो हमें कभी वापस मिलेंगे, या हमें थोड़ा सा अगर उसके ऊपर प्रॉफिट दिया जाता है तो क्या उसके साथ भी हमें वापस मिलने के चांसेस हैं? दोबारा इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ती है कि हमारा इकोनॉमिक मॉडल बिल्कुल गलत है, हमारी इकोनॉमिक अप्रोच बिल्कुल ठीक नहीं है। दुनिया में मुझे नहीं पता दुनिया में कहीं और ऐसा होता हो कि वो अपने पूरे के पूरे असासे गिरवी रख देते हैं और कहते हों कि हमें जस्ट उसका 5% या 10% हमें देते जाएं, जो कि इंतहाई एक गलत है। आपके असासे, कुछ असासे आपके कंज्यूमेबल हैं जो कंज्यूम हो जाएंगे, जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपके साथ आपकी हिस्ट्री में क्या किया, आपके कंज्यूमेबल असासे सारे के सारे रिसोर्सेज वो ले गए, ठीक है, और जो आपके पास बचे खुचे इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या हम उसका करेंगे? ये एक इंतहाई गलत अप्रोच है जो कि दुनिया शायद इस चीज़ से 100 साल पहले इस चीज़ को छोड़ चुकी है और हम लोग आज भी इसी चीज़ पे डिपेंड हैं कि अपने मुल्क का कभी एयरपोर्ट, कभी मोटरवे गिरवी रख देते हैं, कभी ये लोग पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स की और पोर्ट्स को, आप देखें श्रीलंका की मिसाल हमारे सामने है, श्रीलंकन पोर्ट को चाइनीज़ ने अपने अंडर कर लिया था क्योंकि श्रीलंका उनको उनके लोन्स, इतने हैवी लोन्स वो ले चुके थे कि वो पोर्ट श्रीलंका की चाइना ने अपने कब्ज़े में कर ली और लीगली चली जाती है। ये इंतहाई अफसोस है और इस मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं है, मतलब ये है कि ये गलत किस्म की पॉलिसीज ले रहे हैं, ये बिल्कुल गलत। इन सब सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है, इन सब के पीछे कौन है? इन सब के पीछे हमारे बुनियादी तौर पर नालायक हुक्मरान हैं और वो नालायक हुक्मरान जो बग़ैर सोचे समझे सिर्फ अपनी औलादों को इस मुल्क की हुक्मरानी देना चाहते हैं, ठीक है, ना खुद कुछ कर सके वो इस मुल्क के लिए और आगे अपनी औलादों के हवाले करके जाना चाहते हैं कि बेटा यही इधर से ही खाओ, हमारे घर तो लंदन में है, ठीक है, अमेरिका में है, हमें इन लोगों को हमसे कोई हमदर्दी नहीं है, ठीक है जी, ये बात क्लियर कट है। और हम इनकी नस्लों की हम क्यों ग़ुलामी करें, और हमारी नस्लें इनकी नस्लों की इंशाल्लाह गुलामी नहीं करेंगी। पाकिस्तान की अवाम का कहना है कि बड़े ही अफसोस और शर्म की बात है कि हमारे हुक्मरान हमारे मुल्क को बेहतर करने की बजाय हमारे मौजूदा असासों को भी बेचने पर निकल पड़े हैं। आप किस बारे में क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।